हरिओम अखंड मंगलाकार व्याप्तमेन चराचरम तदपदम दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके हृदय में विराजमान गुरु को प्रणाम करता हूँ, उस प्रभु को प्रणाम करता हूँ और सभी देवी देवता को प्रणाम करता हूँ। आध्यात्मिक यात्रा, उस आध्यात्मिकता की नाव में हम सब लोग बैठ करके जब चलते हैं, आध्यात्मिक की उस यात्रा की उस गाड़ी के अंदर बैठ करके हम जब बाहर देखते हैं तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, आध्यात्मिक जगत की दुनिया और भौतिक जगत की दुनिया बहुत अनोखी है। भौतिक जीवन का एक सुख है, भौतिकता जीवन में सुख प्रदान करती है, तब आध्यात्मिकता जीवन के अंदर आनंद प्रदान करता है। यहां सुख और आनंद दोनों बात अलग है। सुख क्षणिक मात्र के लिए होता है, आनंद अखंड रूप से जो रहता है उसको आनंद कहते हैं। सुख को प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और आनंद को प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। और ये सारा जो पूरा मंडल है, ये सारा मंडल, पूरा विज्ञान भाग्यों के ऊपर चलता है। हमारा भाग्य प्रबल है, हमारा भाग्य दुर्भाग्य है। हमारे भाग्य के अंदर कोई ऐसी लकीर ही नहीं है कि जहां सुख प्राप्त कर सके, जहां आनंद प्राप्त कर सके। सुख और आनंद के दोनों के बीच के अंदर हम चलते हैं तो आध्यात्मिकता कहीं मिलती है तो इतनी आध्यात्मिकता मिल जाती है तो पूरे दिन राम राम कृष्ण कृष्ण करते हैं, लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। आध्यात्मिकता साथ में है मगर वहां सुख नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा बंगला नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है। तो सुख और आनंद के बीच के अंदर दोनों पैरों के बीच में हम चल रहे हैं मगर क्या प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, उस दुर्भाग्यों को कैसे हटाए, कहीं आध्यात्मिक रूपी आनंद तो मिल रहा है मगर सुख नहीं प्राप्त होता। सुख मिल रहा है, बहुत कुछ है हमारे पास मगर हृदय के अंदर आनंद नहीं है, शांति नहीं है। और ये सब जो चीज है कैसे प्राप्त करें। ईश्वर ने इस शरीर की रचना की और शरीर का एक एक भाग, शरीर का एक एक भाग हमारे कर्म के अनुसार मिला हुआ है। हमारा चेहरा हमारे कर्म के अनुसार मिला हुआ है, हमारे चेहरे की आंख, नाक, होठ, कान, हमारे शब्द, हमारा स्वभाव कर्म के अनुसार मिला हुआ और कर्म व्यक्ति कैसा है उसका स्वरूप से पता चल जाता है कि व्यक्ति भोला भाला है कि कपटी है। ये व्यक्ति वास्तव में किसी को कुछ देने वाला है कि सिर्फ लेने वाला है, ये व्यक्ति ने परोपकार किए हैं कि व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सबका अपना, खुद के लिए कुछ किया है, खुद के लिए लोगों को लूटा है, क्या किया है। ये सब जो सुख और आनंद, आनंद और सुख, सौभाग्य और दुर्भाग्य, ये जो हमारे आसपास की जो चक्कर है उसके अंदर, इस शरीर का जो हमारा भाग है कर्म के अनुसार है मगर उसमें दुर्भाग्य और सौभाग्य की लकीरें
पूरे शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ हाथ के अंदर है। ये हमारा जो हाथ है, ये पांचों उंगलियां है, पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री, उस चीज को हम देखते हैं। तो हाथ की लकीरें के अंदर, जैसे ज्योतिष के पास हम जाते हैं तो हाथ देख करके कहते कि भाई तेरा गुरु ग्रह की जो उंगली है, गुरु है, शनि है, सूर्य है, बुध है, ये हाथ को देखोगे आप तो आप देखोगे यहाँ गुरु का ग्रह है, यहाँ शनि का ग्रह है, यहाँ सूर्य का है या बुध है। तो इस रूप से ये पूरा जो है नवग्रहों का मंडल जो है उसमें बीच में भाग्योदय का द्वार है। ये भाग्योदय का जो द्वार है दोनों हाथों में, ये द्वार धन बाहर है मगर द्वार बंद है तो अंदर कैसे आएगा? आपके जीवन में बहुत कुछ धन है मगर वो आपके घर के बाहर है, आपके घर में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाग्योदय का डोर वहां बंद है। उस भाग्योदय के दरवाजा को खोलने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक संशोधन किया, वो भी चुंबकीय फल के माध्यम से किया, जिसको मैंने पहले बताया था नींबू के माध्यम से। नींबू के माध्यम से इस दुर्भाग्य को भाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इस दुर्भाग्य रूपी जो पर्दा लगा हुआ है उसको तोड़ करके, भाग्य रूपी पर्दे को खोल करके उसको आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। क्या करना है? आप जो मैंने बताया ऐसे दो नींबू प्राप्त करने हैं, दो नींबू चाहिए, क्योंकि ये दो नींबू है, एक दाहिने हाथ के लिए, एक बाहिने हाथ के लिए, एक राइट हैंड के लिए, एक लेफ्ट हैंड के लिए। दोनों नींबू आपको ले लेने हैं और दोनों नींबू जो है वो हरे रंग का हो, और उसको दो पार्ट में काट देना है, दो पार्ट, एक पार्ट ये, और नीचे जुड़ा हुआ ना, जैसे फ्लावर की तरह, जैसे दो कट करोगे तो चार बन जाएगा, और इसमें भी ऐसे, और उसके अंदर वो भी, ये भी भीमसेनी कपूर जो है, वो जो मैंने बताया पहले, ये भीमसेनी कपूर है, आप देख पा रहे हो, तो ये भीमसेनी कपूर ये टुकड़े टुकड़े में आता है, उसका कोई एक सेप नहीं होता। उस भीमसेनी कपूर को आप ऐसे करोगे तो जैसे पाउडर जैसा बन जाएगा, तो ये नींबू के अंदर भर देना है, नींबू के अंदर भर देना है दोनों के अंदर। फिर जो काटा हुआ भाग है उसको आपकी हथेली में लेना है ऐसा, और ऊपर उंगलियों से इस तरह दबा देना है। देखो नींबू से भीमसेनी कपूर का जो चूर्ण से भरा हुआ हो, और दोनों हाथों में ऐसे भर करके ऐसे रख देना। ये मुद्रा जो है उसमें जो नींबू काटा वो बिल्कुल आपके भाग्योदर, देखो ये भाग्य का द्वार है, उस भाग्य के द्वार के ऊपर नींबू को रख देना है। ये क्या काम करेगा? ये भाग्य के द्वार को खोलने की कोशिश करेगा, और इसको दबा करके कम से कम 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक आपको दबा के पकड़ना है। अभी प्रश्न ये आएगा कि इस तरह दबा के पकड़ने के बाद क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद करके आपके जो श्वास अंदर जा रहे हैं उसको धीरे से श्वास को अंदर लेना है, और सोचना है कि प्रकृति के माध्यम से पूरा विश्व बना है, बस परमेश्वर ने बनाया है, तो हमारे दो घर छोड़ करके इतना धन इनको दिया है, तो हमारे कहां, हमारे दुर्भाग्य क्यों ऐसा है? तो ये भगवान से प्रार्थना कर दी कि भगवान इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के माध्यम से मेरा ये दुर्भाग्य हट जाए और भाग्य खुल जाए, और मेरी जितनी परेशानियां है परेशानियां इन नींबू के माध्यम से वो खींच ले। ये चुंबकीय फल है, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट
लोहे को जैसे स्पर्श करता खींच लेता है, तो ये भी चुंबकीय मैग्नेट है, मैग्नेट फ्रूट। वो दुर्भाग्य की उस गति को खींच लेगा, मगर याद रखना उसमें भीमसेनी कपूर होना चाहिए, क्योंकि भीमसेनी कपूर का रस और ये नींबू का रस दोनों मिक्स होगा तो दिव्य शक्ति प्राप्त होगी उसके अंदर और वो खींचने का काम करेगा। तो आपका जो दुर्भाग्य है वो हट करके भाग्य का द्वार खोल देगा और उसमें आंखें बंद करके श्वासों के साथ अपनी लक्ष्मी हमारे घर में आ रही है, कुबेर का भंडार हमारे घर के अंदर प्रकट हो रहा है, ऐसी भावना करते 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 आपको 30 मिनट या 60 मिनट मानसिक रूप से भगवान से प्रार्थना करनी है। बिल्कुल सरल प्रयोग। और ये जब आप करोगे 30 मिनट 60 मिनट या आप नींबू का प्रयोग करोगे, तो जो आपका ये द्वार है, सौभाग्य का जो द्वार है, वो द्वार धीरे 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 इसके अंदर कुछ अलग सा महसूस होगा आपको। और इन नींबू को 60 मिनट के बाद आप एक स्थान पर रख दीजिए और बहते हुए पानी में उसी दिन बहा दीजिए। पानी नहीं है तो गार्डन के अंदर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हो उसके मूल में जाकर के रख दीजिए, तो आपके घर में दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, सौभाग्य का द्वार खुल जाएगा। ये प्रयोग सात्विक प्रयोग है, ये प्रयोग अजमाया हुआ प्रयोग है, ये प्रयोग छोटे से छोटा बालक भी कर सकता है, बड़े से बड़ा वयोवृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है, ये प्रयोग स्त्री भी कर सकती है, ये प्रयोग पुरुष भी कर सकता है, ये प्रयोग विद्यार्थी भी कर सकता है, ये प्रयोग ज्ञानी भी कर सकता है। ये प्रयोग करने के बाद जीवन में एक घटना एक घटती जाएगी, धीरे 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 ऐसी घटनाएं घटती जाएगी कि आप खुद सोचोगे कि अगर आपका व्यापार बंद है तो बंद व्यापार को धीरे 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 खुलते जाएगा। अगर आपके जीवन के अंदर कोई कठिनाई है, कई सालों से आपका कुछ कार्य नहीं हो रहा है, ये कार्य धीरे धीरे खुल जाएगा। कई सालों से आप सोचते हैं कि मुझे कुछ प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ पाना है, मेरा अच्छा घर हो, तो धीरे धीरे उसका एक योग बनते जाएगा। और ये प्रयोग जो मैं बता रहा हूं इस गुरु परंपरा की सूर्य शक्ति का प्रयोग है। और ये नींबू का प्रयोग कोई सामान्य प्रयोग नहीं है। आप सोचोगे तो ये तो 10-20 पेंस में नींबू मिल जाते हैं, कुछ क्या ये छोटा सा प्रयोग क्या करेगा। अगर मैं कहता हूं कि आपके घर में किसी को कुछ लग जाता है ना, तो हल्दी लेकर के आप दबा देते हो, तो हल्दी तो बहुत सस्ती आती है, तो क्या खून को वहां बंद नहीं कर देगा, उसके लिए क्या ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रयोग भाग्योदय लक्ष्मी का प्रयोग है, ये प्रयोग अष्टलक्ष्मी का प्रयोग है, ये प्रयोग सौभाग्य लक्ष्मी का प्रयोग है। आपके जीवन में दुर्भाग्य दूर हो और सौभाग्य के द्वार खुले, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा भगवती जगदम्बा को। वास्तव में मैं कहता हूं कि बहुत सरल प्रयोग है, बहुत तीव्र प्रयोग है, आप करें। और व्यापारी लोगों को तो मैं कहता हूं कि कम से कम हर अमावस्या के दिन और हर पूर्णिमा के दिन ये प्रयोग करें, 6 अमावस्या हो, 6 पूर्णिमा हो, 12 देखो महीने में एक पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है, ठीक है, इस तरह 12 करना है आपको। तो एक महीने में 2 हो गया, 12 में कितना हो गया,
ये जो प्रयोग है धीरे धीरे आप करोगे, 3 से 6 महीने के अंदर ये प्रयोग का जो है स्वरूप आप देखोगे कि आप कहां थे, 6 महीने के बाद कहां है, आप खुद कर लेना। यहां किसी की भी जरूरत नहीं है, अपने आप में बैठ जाओ और हो सके तो आप धोती कुर्ता पहन के बैठ जाओ, हो सके तो सिर्फ धोती पहन लो, और ये भी नहीं है तो चलो पैंट शर्ट से भी कर लो ना, कोई बात नहीं, मगर एक धोती पहनोगे जो सिली हुई नहीं हो, सिर्फ प्लेन धोती, तो उसका फल बहुत बड़ा प्राप्त होगा। और इस फल को जब आप लेते हो, इससे भी ज्यादा अगर उसका फल चाहिए तो आप सामने मट्टी के दिए, मट्टी का दिया लगा करके और धागे की बात जो आपको मैंने बताया कि हम जो रक्षा सूत्र बांधते हैं उसमें घी का दिया लगा करके, उसमें भी अगर भीमसेनी कपूर को आप डाल करके दिया सामने लगा करके करोगे तो उसकी फल की ताकत और बढ़ जाएगी। इस ताकत को और बढ़ाना है तो दोनों हाथों में नींबू लेकर के ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ सुनो, यूट्यूब चालू कर दो, ललिता सहस्त्र नामावली रख दो और 30-35 मिनट लगेगी, तब तक आंख बंद करके पूरा ध्यान करते हुए ललिता सहस्त्र नामावली सुनो और फिर ये प्रयोग देखो कि कितनी उसके अंदर ताकत आ जाती है। ये प्रयोग करने के बाद आप खुद स्वयं अनुभव करोगे कि कितनी शक्ति इसके अंदर आ जाती है कि दुर्भाग्य के दरवाजों को तोड़ करके सौभाग्य के परिवर्तन कर देता है। आप देखो हमारे ऋषि मुनियों क्या था, उनके पास एक झोली और कुर्ता और झंडा लेके चलते थे मगर हजारों लोगों को खाना खिला सकते थे। आज भी देखो जब आप कुंभ में जाओगे ना, आप खुद सोचोगे कि ये तो धोती कुर्ता है और क्या इनके पास क्या है। एक चीज बताओ, कभी भी ओवर एस्टिमेट मत करना। आप ये मत समझना कि आप टाई सूट पहनने वाले ही पढ़े लिखे हैं, धोती कुर्ते में भी आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, धोती कुर्ते में भी आपसे ज्यादा धनवान है, धोती कुर्ते में भी आपसे ज्यादा समाज की सेवा करने वाले है। आपका जीवन सौभाग्यमय बने, सुखमय बने, दुर्भाग्य दूर हो, सौभाग्य की नदियां बहे, ऐसे प्रभु जीवन में भगवान शिव से प्रार्थना करता हुआ, सद्गुरु से प्रार्थना करता हुआ इतना ही कहूंगा कि आपका जीवन सुवर्णमय बने। नमः शिवाय, जय गुरुदेव, ओम शांति शांति शांति।